नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे क्या निफ्टी में एक बड़ा क्रैश होने वाला है, क्या निफ्टी काफी ज्यादा गिरेगा, आज निफ्टी में गिरावट का कारण क्या था, निफ्टी क्यों गिर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है काफी एक्साइटेड हैं कि अब मार्केट में बड़ा क्रैश होगा, हम पोजीशन बना लें इस तरह के। तो अभी दोस्तों जो मार्केट गिर रहा है तो मार्केट को वॉच कीजिए। मार्केट जब अपना बॉटम बना लेगा कहीं पर जहाँ से मार्केट रिटर्न होने की कोशिश होगा, तो वहाँ से हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर के उसमें बाइंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी तुरंत आप स्टॉक जो है स्पेसिफिक होना शुरू करिए, मतलब जो स्टॉक अच्छे हैं उसको गिरावट में बाय करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। तो देखिए मार्केट में आज जो गिरावट है काफी ज्यादा है, 1.91% का गिरावट। अगर 5 डेज में देखें तो 5 डेज में देखिए यहाँ पर अपना हाई बनाया था मार्केट, यहाँ से अपने हाई से गिरना शुरू हुआ, तो अपने हाई से देखते हैं 5% कुल डाउन है, तो लगभग मार्केट 5% करेक्ट हुआ है। क्या ये करेक्शन बड़ा होगा, क्या होगा, तो ये आगे देखेंगे हम लोग। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है तो वीडियो के लास्ट में हम जो इसमें इंडिकेटर लगाएंगे, जो टेक्निकल इंडिकेटर मतलब टेक्निकल चार्ट पर मार्केट क्या बड़ा क्रेश यहाँ से होने वाला है, क्या चार्ट पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या मार्केट बड़ा क्रेश आएगा या कुछ टाइम वाइज करेक्शन आएगा। एक होता है प्राइस वाइज बड़ा करेक्शन और एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, मतलब कुछ प्राइस में गिरावट होगा लेकिन टाइम जो है इंटरवल काफ़ी लंबा लेगा, कुछ प्राइस गिरेगा टाइम इंटरवल लंबा लेगा। जैसे आज गिरावट होगा, कल थोड़ा सा अप हो जाए, फिर परसों थोड़ा सा गिरावट हो जाए, तो इस तरह से टाइम वाइज गिरावट हो सकती है, थोड़ा सा करेक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले आज के रीजन को जानेंगे, आज मार्केट में गिरावट किस कारण से था, क्या वजह थी कि मार्केट में आज हमें गिरावट देखने मिलेगा, क्योंकि लगातार ये तीसरा दिन है जब हमें मार्केट में गिरावट देखने मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, क्या मार्केट में बड़ा क्रेश होगा, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्टॉक को काफ़ी नीचे के लेवल पर बाय करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का। तो इन सारे संभावनाओं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, बैंक फाइनेंशियल सर्विस जो है, सारे चीज़ों में गिरावट है, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसमें गिरावट देखने आज नहीं मिला। तो सेंसेक्स देखते हैं कि 2400 पॉइंट आज डाउन था, लगातार ये तीसरा डे था जब मतलब गिरावट देखने मिला, यहाँ आपको 4 डेज मिल रहा है लेकिन लगातार तीसरा दिन था जब हमें गिरावट देखने मिला। तो सबसे मुख्य रीजन जो है कि जो बजट है आगे 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसको लेकर के सब में एक नर्वसनेस है, मतलब हर कोई उसमें फेयरफुल है, क्या होगा, क्या टैक्स इम्पोज किया जाएगा, किस सेक्टर पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि अभी जो हमारा जीडीपी है काफ़ी निगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है और ज़्यादा टैक्स कॉर्पोरेट पर लगाया जाए, तो उसके कारण एक जो नर्वनेस है मतलब एक जो फियर है आदमी में, उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण जब FIIs यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है, FII पहले से DII प्रॉफिट बुक कर रहा था, अब रिटेल इन्वेस्टर भी बुक करेगा, जब सबके सब एक साथ प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट में करेक्शन देखने तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हो सकता है उसी कारण से हमें यहाँ पर करेक्शन देखने मिल रहा है। दूसरा जो मेजर रीजन बताया जा रहा है, जो ब्रोकर हाउस है, यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह सारा का सारा यहाँ पर देखते हैं, जो मिंट का ये आर्टिकल है इसमें दिया गया है कि जो IPO है, काफ़ी ज़्यादा IPO में लिस्टिंग प्राप्त हुआ है, काफ़ी सारे IPO है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा मतलब वहाँ पर रुपया लगा हुआ है, जिसके कारण जो है आपको ये रिसेंट करेक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आदमी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हो रहा है, पता है। तो ये दो मेजर रीज़न है, लेकिन और सारे रीज़न को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या रीजन्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बाय जानने की कोशिश, सबसे पहला रीजन है कि टैक्स जो प्रपोजल होगा, बहुत सारे जो टैक्स हो सकता है बजट में इम्पोज किया जाए, कुछ सारे टैक्स वो हो सकता है कि मार्केट फ्रेंडली ना हो, तो उसके कारण भी हमें मार्केट में गिरावट देखने मिल रहा है। उसके बाद जो लगातार FII जो है वो सेलिंग कर रहा है, देखते हैं 765 करोड़ का मतलब सेलिंग देखने मिला FII की तरफ, वहीं पिछले दिन 600 करोड़ का सेलिंग था, तो FII लगातार सेलिंग कर रहा है, तो जिसके कारण हमें मार्केट में जो है करेक्शन देखने मिल रहा है। GDP का ग्रोथ काफ़ी निगेटिव है, मतलब जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से काफ़ी खराब हालत में है, उसके बावजूद हमारा मार्केट जो है काफ़ी मतलब ऊपर जा रहा था, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, जबकि GDP जो है काफ़ी निगेटिव है। उसके साथ ही यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि 2021 में इंडिया का जो GDP का ग्रोथ होगा 11.5% रह सकता है, तो जो कि काफ़ी गुड न्यूज है कि मतलब जो बाउंस बैक होगा इकोनॉमी में वो उतना ही जबरदस्त होगा जितना आपने गिरावट देखा इस पैंडमिक के कारण। अगला रीजन है कि यहाँ पर जो हमारा COVID-19 है, COVID-19 का जो नया स्ट्रेन आया है उसके कारण हो सकता है हम इस पैंडमिक से, जो COVID-19 का पैंडमिक है, इस पैंडमिक से हम
उभरने में, मतलब इस पैंडमिक से बाहर आने में और ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो इससे रिकवर होने में हमें और ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि जो स्प्रेड है न्यू वेरिएंट का, न्यू स्ट्रेन का, जो कोविड 19 के न्यू स्ट्रेन का, न्यू वेरिएंट का जो स्प्रेड है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा रिकवरी में हमें टाइम लग सकता है। इसके कारण भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो ओवरऑल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो भी मिक्स है। जैसे आप अमेरिकन मार्केट देखिएगा, आज काफ़ी ज़्यादा डाउन है, डॉ जोन्स डॉ फ्यूचर में 1% से ज़्यादा का गिरावट है, और जो यूरोपियन मार्केट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, और एशियन मार्केट लगभग मिक्स है, इसमें आपको इंडिया चाइना का जो मार्केट है वो अप दिखेगा, कुछ मार्केट आपको डाउन दिखेगा, तो एशियन मार्केट मिक्स है, जबकि जो यूरोपियन मार्केट है, जो अमेरिकन मार्केट है यूएसए का, वो सारा का सारा डाउन है। तो ग्लोबल मार्केट का भी जो इम्पैक्ट है, उसके कारण भी हमारा भी मार्केट में एक करेक्शन देखने आपको मिल रहा है, एक बड़ी गिरावट लगातार 3 दिनों से देखने आपको मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ ग्लोबल इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कितना गिरावट है अभी तक में, जो आप जाना मुख्य रीजन हमारे मार्केट में करेक्शन का क्या है। बजट को लेकर के सब में फेयरफुल है, एक वह है कि ज़्यादा टैक्स किसी भी सेक्टर पर इम्पोज किया जा सकता है, उसके कारण प्रॉफिट, एक ब्रॉडर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। दूसरा, कोविड 19 का जो न्यू स्ट्रेन है, उसके कारण हमें कोरोना वायरस के पैंडमिक से रिकवर होने में टाइम लग सकता है। और उसके बाद जो रीजन है, ग्लोबल मार्केट मिक्स है, ग्लोबल मार्केट में जो एक गिरावट देखने मिल रहा है, उसके कारण भी हमारे मार्केट में करेक्शन हो रहा है। और जो यूएस का, जो यूएस का आपने देखा, जो जो बिडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो जो नया मतलब पैकेज देने वाले हैं, उसमें भी डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है, उसके कारण भी आपको मतलब यूएस मार्केट में करेक्शन देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट को हमारा भी मार्केट फॉलो करता है, उसके कारण हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने आपको मिल रहा है। जैसे मार्केट गिर रहा है, तो जैसे वहां से मार्केट पलटी मारेगा, जैसे बॉटम बना करके मार्केट उल्टा दिशा में चलना शुरू होगा, तो हम वहां पर जो स्टॉक में SIP करना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉक में बाइंग करना, उस डिप पर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, निफ्टी 50 आल डाउन है 1.91%, जबकि सेंसेक्स 1.94%, निफ्टी जो है हमारा बैंक निफ्टी 2.93% डाउन है, और इंडिया विक्स 4.94% अप है। इंडिया विक्स यहाँ पर आपको बता रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। और उसके बाद डॉ जोन्स में देखिएगा 0.97% का गिरावट, कभी ये 1.5% का गिरावट था, अभी कुछ रिकवर हुआ है डॉ जोन्स में। और यहाँ पर देखिएगा S&P 500 जो 1% डाउन है, नेस्डेक 0.69% डाउन है, तो सारे के सारे जो US के इंडेक्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिल रहा है। वहीं देखिए बोस्पा, इसमें गिरावट है 0.45%, डेक्स में गिरावट है, जो यूरोपियन मार्केट है डेक्स में गिरावट है 1.58%, और CAC 40 में देख सकते हैं गिरावट है 1.16%, और FTSE 100 में गिरावट है 1.26%। तो यहाँ पर यह जर्मनी का देख लीजिए इंडेक्स जो है डेक्स है, इसमें गिरावट 1.6%, और जो इंग्लैंड का है FTSE 100 इसमें 1.24%, और जो फ्रांस का है CAC 40 इसमें 1.14%। तो सारे के सारे यूरोपियन मार्केट, यूएसए मार्केट के सारे जो इंडेक्स है उसमें गिरावट आपको देखने मिल रहा है। वहीं आप देखिएगा यहाँ पर मोइक्स जो रशिया का है, उसमें 1.39% का गिरावट। तो देख सकते हैं रशिया के मार्केट में, बोस्पा ब्राज़ील के मार्केट में, यूएसए मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सब के सब में गिरावट देखने आपको मिल रहा है। वहीं निक्की जापान का मार्केट तो 0.31% अप है, और संघाई यहां पर देखिए चाइना का मार्केट सारे के सारे अप है। यहां पर देख लीजिए चाइना A50 ये भी ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, और ये देख लीजिए संघाई 0.11% अप है। तो जो ओवरऑल एशियन मार्केट है वो मिक्स है, और जो ग्लोबल मार्केट है वो सब के सब लगभग डाउन है। भाई डॉ जोन्स फ्यूचर की बात करें, तो डॉ जोन्स फ्यूचर देख लीजिए 0.95% डाउन है, तो डॉ जोन्स फ्यूचर में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने मिल रहा है, और पूरा ग्लोबल मार्केट भी निगेटिव है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल और सेंसेक्स, क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या यह गिरावट काफ़ी बड़ा होगा या हम यहीं तक गिरेंगे, यहां से हमें रिकवरी देखने मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों को हम टेक्निकल चार्ट पर बात करेंगे। दोस्तों ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी यहाँ पर आप देखते हैं जो करेंट वैल्यू है निफ्टी का, निफ्टी 50, वो है 13,980 पे, 13,980 85 इसी के आसपास है अभी हमारा जो आज का क्लोजिंग है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये हमारा है बॉलिंजर बैंड, और ये हमारा RSI पे यहाँ पर देखते हैं स्पष्ट यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे यहाँ पर स्पष्ट डाइवर्जेंस देख रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन था, अब
इसने एक बार गिरावट पहले भी हुआ था तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ये बॉलिंजर बैंड का बीच का जो है ये 20 SMA है, ये 20 का SMA है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये हमारा बाउंस बैक देखने मिला था, लेकिन इस बार 20 SMA को ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या बॉलिंजर बैंड यहाँ पर ये ओपन होता है। अगर बोलिंजर बैंड यहाँ पर ओपन होता है अगर नीचे की ओर, तो निश्चित है कि गिरावट थोड़ा बड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ ये नीचे है हमारा 50 डे ईएमए पर अगर सपोर्ट लेता है, नहीं लेता है तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमारा 200 डे का SMA यहाँ तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें पहले देखना है क्या ये बोलिंजर बैंड को फॉलो करता है। यहाँ पर बोलिंजर बैंड पर जैसे ये फॉलो करता है तो ये करेक्शन जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है या एक गिरावट भी हो सकती है। तो अभी ये 20 SMA को ब्रेक कर चुका है, अब हमें यहाँ पर देखना है नेक्स्ट ये सपोर्ट कहाँ लेता है, क्योंकि गिरते मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे गिरते मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं होता, किसी भी सपोर्ट को ये ब्रेक कर सकता है और कहीं तक गिर सकता है। तो जब तक ये अपना बॉटम नहीं बना लेता तब तक आपको इंतजार करना है इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे बॉटम बनाता है तो स्टॉक जो है आपको काफ़ी चीप लेवल पर मिलने लगेंगे, उस समय अभी तो काफ़ी यहाँ पर हाइयर प्राइस पर थे, तो जैसे जैसे मार्केट गिरता है स्टॉक भी उसके साथ गिरता है। तो बस वेट करना है, जैसे मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करता है, मार्केट में गिरावट रुकती है तो वैसे हम SIP करना शुरू करेंगे, क्योंकि गिरावट और ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट सस्टेन करे कुछ दिन फिर गिरावट हो, तो SIP करना शुरू करेंगे। नीचे प्राइस पे आएगा तो नीचे पर करेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर में करेंगे। उसके बाद हमारा निफ्टी बैंक देख लीजिए। निफ्टी बैंक में भी गिरावट हमें देखने मिला है और निफ्टी बैंक का भी करेंट जो देख सकते हैं है वो 30,260 पे है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक में भी वही हाल है, देख सकते हैं यहाँ पर 20 SMA को ब्रेक कर चुका है। 20 SMA को ये देख सकते हैं 2 दिन पहले ही ब्रेक कर चुका था और यहाँ पे ये 20 SMA को ब्रेक किया था, लेकिन बोलिंजर बैंड यहाँ पर जो हमारा बैंड नहीं हुआ था, देख सकते हैं बोलिंजर बैंड जो हमारा नीचे को बैंड नहीं हुआ था। तो जब बोलिंजर बैंड नहीं हुआ मतलब ये एक करेक्शन था, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर ये धीरे धीरे यहाँ पर अगर कल बोलिंजर बैंड यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ओपन होना शुरू हो गया, अगर ये बोलिंजर बैंड ओपन होता और 20 SMA नीचे की ओर मुड़ता है तो निश्चित है कि ये एक थोड़ा बड़ा गिरावट हो सकता है। अगर ये बोलिंजर बैंड ओपन होता है 20 SMA नीचे की ओर मुड़ता है तो ये एक बड़ा गिरावट हो सकता है, जिसे आप आवर्ली चार्ट लगा करके भी इसे फॉलो करते हैं। अगर आप आवर्ली चार्ट लगता है तो यहाँ देख लीजिए आवर्ली चार्ट पर, यह आवर्ली चार्ट पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये गिरावट जो है काफ़ी तेजी से हो रहा है। आवर्ली चार्ट पर यहाँ पर देखिए आवर्ली चार्ट जैसे लगाते हैं तो यहाँ देख लीजिए आवर्ली चार्ट पर ये काफ़ी तेजी से गिर रहा है। बोलिंजर बैंड हमारा बैंड हो चुका है तो ये एक करेक्शन दिखा रहा है आवर्ली चार्ट पर। वही बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ये भी यहाँ पर हम बोलिंजर बैंड का बैंड होने का इंतजार करें, अगर यहाँ बैंड होता है तो ये भी एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यहाँ सपोर्ट लिया था 20 SMA पर, ये जो बोलिंजर बैंड का 20 SMA है और इस बार ये 20 SMA को ब्रेक कर चुका है 2 दिन पहले ही। उसके बाद करते हैं सेंसेक्स का, सेंसेक्स में भी उसी तरह का यहाँ पर देखते हैं, सेंसेक्स भी अपने 20 SMA को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो चुका है आज। तो जैसे ये 20 SMA को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है तो अब कल अगर इसमें गिरावट कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है एक बड़ा गिरावट हो। और यहाँ पर 50 डे का EMA है, 50 EMA को अगर ये क्रॉस करता है तो ये गिरावट और भी बड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखें गिरते मार्केट का कोई भी सपोर्ट नहीं होता, कहीं पे भी ये सपोर्ट ले सकता है, कोई नया सपोर्ट भी बना सकता है। ऐसे हम बात करते रहे कि ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट है तो उससे कुछ नहीं, आप वेट एंड वॉच कीजिए कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता उसका वेट करेंगे। जब मार्केट सपोर्ट लेता वहाँ पर SIP स्टार्ट करना है, वहाँ पर SIP स्टार्ट करना है, क्योंकि करेक्शन तो कुछ दिन कहीं पर सपोर्ट लेने के बाद भी और करेक्शन हो सकता है, तो इसलिए SIP स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी मतलब बेहतरीन स्टॉक है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें SIP स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे गिरावट हो रही है, जैसे जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी लेते आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।